भारत देश जो है ये एक सेंटर पॉइंट है रिलीजियस टूरिज्म के लिए और तीर्थ स्थलों का। हमारा एक डॉक्यूमेंटेड इतिहास जो है वो 7000 ईयर्स का है और उससे ऊपर भी जाता है। कुछ ना कुछ तो एक ड्राइविंग फोर्स है जो इस यूनिवर्स को होल्ड करके रखी हुई है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज राजुगा एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ वेनी डॉट इवेंट्स। वेनी डॉट इवेंट्स एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको वेन्यू से रिलेटेड काफ़ी अच्छी डिटेल्स मिल जाती हैं और हमारा मोटिव ये है कि हम अपने चैनल से टूरिज्म प्रमोट करना चाहते हैं थ्रू इन्फॉर्मेटिव वीडियोज, सिनेमैटिक वीडियोज, पॉडकास्ट इंटरव्यूज विद द टॉप CEOs एंड आवर मोटिव इज ऑल्सो टू प्रमोट द IT सेक्टर एज वेल। सो सिंस 2022 एक इजाफा हुआ है टूरिज्म में और सबसे ज़्यादा जंप जो आया है वो रिलीजियस टूरिज्म में आया है। डेटा ये कहता है कि एटलीस्ट 16% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ आई है सिंस 2023 एंड ये 2030 तक और बढ़ेगा। एंड इंडस्ट्री रिपोर्ट्स ये कहती है कि एक सिग्निफिकेंट राइज हुआ है ओवरनाइट पिलग्रिमेज जर्नीज में और एटलीस्ट 14% राइज हुआ है टूवर्ड्स द डोनेशंस इन द पोस्ट कोविड। और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एक गेम चेंजर ही है पूरे देश के लिए, जिसमें एटलीस्ट 25,000 जॉब्स सिर्फ और सिर्फ अयोध्या में ही जनरेट हुई हैं, जिसमें शेफ्स, फ्रंट डेस्क मैनेजर्स, यू नो, हाउस कीपिंग पीपल, सर्वेंट्स, जो भी इस इंडस्ट्री में आते हैं इन द टूरिज्म सेक्टर या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, उन सब में एक इजाफा हुआ है। प्लस भारत में ही 1.3 लाख करोड़ रुपीस का बिजनेस जनरेट हुआ है और एक्सपेक्टेड ये है कि 2030 तक ये जो रेवेन्यू जनरेशन है ये एटलीस्ट $60 बिलियन तक चला जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब और उत्तराखंड भी आता है। और इससे स्मॉल बिजनेसेस को लेकर बहुत ज़्यादा फायदा होगा इन रिलेटेड सेक्टर्स में। तो ये तो हो गई बिजनेस की बात, बट क्वेश्चन आता है कि वाई देयर इज अ जंप इन रिलीजियस टूरिज्म, लाइक अभी ही क्यों? तो क्या आपको पता है कि साइंस ही कहता है कि इस यूनिवर्स को चलाने के लिए जो एक ड्राइविंग फोर्स होती है, जो भी ड्राइविंग फोर्स है, कॉस्मिक एनर्जी है या जो भी है, वो अगर 1% भी ज़्यादा होती या 1% भी कम होती तो या तो यूनिवर्स कोलैप्स हो जाता एक ताश के पत्तों की तरह और या तो यूनिवर्स डिस्पर्स हो जाता धूल की तरह। इसमें ये समझ में आता है कि कुछ ना कुछ तो एक ड्राइविंग फोर्स है जो इस यूनिवर्स को होल्ड करके रखी हुई है। सो क्वेश्चन ये आता है कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ? तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज भारत देश जो है ये एक सेंटर पॉइंट है रिलीजियस टूरिज्म के लिए और तीर्थ स्थलों का, जितने भी दुनिया में तीर्थ स्थल हैं उसका सेंटर पॉइंट और उसका क्या कहते हैं केंद्र यही है। हमारा एक डॉक्यूमेंटेड इतिहास जो है वो 7000 ईयर्स का है और उससे ऊपर भी जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ एक हिस्टोरिकल एविडेंस मिला है जिसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारी इतिहास से है, एक कल्प विग्रह विच बिलोंग्स टू अ हिंदू डाइटी एंड इट इज़ सपोज टू बी मोर देन 28,000 ईयर्स ओल्ड। तो ये तो होगी हिस्ट्री की बातें, बट ऐसी तीर्थ स्थलों पर पब्लिक के आने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? हुआ ये है कि पोस्ट कोविड में एक रिवेंज टूरिज्म की मुहिम स्टार्ट हो गई, क्योंकि सब लोग परेशान थे, दे वांटेड टू गेट आउट देयर होम्स, यू नो, पीपल स्टार्ट फीलिंग दैट कि यार अब हमें बाहर निकलना है, हम काफ़ी टाइम से घर में हैं, बंद है और क्वारंटीन लगा हुआ है सारे देश में। तो होता ये है कि लोग परेशान हो जाते हैं, दे वॉन्ट टू गो आउट, और जो लोग इतने टाइम से परेशान बैठे थे वो इन तीर्थ स्थलों पर जाना स्टार्ट करते हैं। सो जनरली लोग थोड़ा रिलैक्सेशन, शांति, ज्ञान या फिर अपने किसी भी नए काम को स्टार्ट करने से पहले, कोई भी, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई नई गाड़ी खरीदनी हो, कुछ भी करना हो, कुछ लोग प्रेफर करते हैं और कि तीर्थ स्थलों पे जाएं, मंदिरों में जाएं, बिकॉज कोविड ने ये सिखाया कि यस, मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट उससे ऊपर भी एक चीज़ होती है आपकी मेंटल हेल्थ और वेलबींग, एंड सम थिंग्स मनी कैन नॉट बाय। पर जब मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग की बात आती है तो लोग अपनी भागदौड़ वाली ज़िंदगी से थोड़ा सा समय निकाल के, थोड़ा सा दूर हट के इन तीर्थ स्थलों पर जाना प्रेफर करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू देम। सो मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ वेन्यू डॉट इवेंट्स। थैंक यू सो मच।